खरगोन शहर में तैनात बम और डॉग स्क्वाड दल ने गुरुवार को मुख्य सड़कों और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सराफा बाजार में जब दल में शामिल पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर से दुकानों में बाहर जांच करने लगे और कुत्ता कार्टूनों को सूंघने लगा तो कुछ देर के लिए व्यापारी सहम गए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रूटीन जाँच की बात कही तो व्यापारियों ने राहत महसूस की। दल में शामिल रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि जिले में बम और डॉग स्क्वाड का दल गठित किया गया है। जांच में व्यापारियों और आमजन को संदेश दिया गया कि वे सुरक्षित हैं, किसी तरह की असुरक्षा की भावना महसूस न करें। इसके अलावा हिदायत दी गई कि दुकान के बाहर सामान न छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो सूचना दे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में BDS टीम को निर्देशित किया गया है कि खरगोन शहर में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी रूटीन चेकिंग की जाए, जिससे लोगों में इस तरह की भावना रहे और इस तरह की भावना रहे कि सुरक्षित हैं और उनमें कोई डर और भय का माहौल नहीं है, इसलिए ये रूटीन चेकिंग की जा रही है। कब से कर रहे हैं? कितने दिन से जारी है ये? लगातार 2 साल से रूटीन चेकिंग चल रही है, लेकिन अभी SP साहब द्वारा दोबारा से सघन चेकिंग के लिए बोला गया है, तो उसी के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ खरगोन जिले ही देख रहा है कि और भी जिलों में आप? नहीं, ये रेंज की टीम है BDS की, तो हम लोग सप्ते में 3 दिन खरगोन शहर को चेकिंग करते हैं और व्यापारियों में लोगों में डर का और भय का माहौल ना हो, इसलिए समझाइश भी देते हैं कि कोई भी संदेह वस्तु अगर दिखती है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और उसे छेड़छाड़ ना करें, BDS टीम को इन्वॉल्व करें, जिससे कि हम लोग उसके निर्देशन में जो भी कार्रवाई होगी उसको पूर्ण करेंगे। क्या नाम सर आप? राम नरेश सिंह से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।